हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता क्या है एंड वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं कि आखिर ये फ्रीक्वेंसीज होती क्या है। तो इन ट्रेडिंग टर्म्स, अगर मेरा सिस्टम या मेरा स्ट्रैटेजी 1-2 सेकेंड का डीले टॉलरेट कर सकता है तो उसे लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग कोई भी स्ट्रैटेजी का बात करूं जो आपको यूट्यूब या कोई वेबिनार या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा, वो सभी स्ट्रैटेजीज लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे बेस्ड है। कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ करते हो वो भी लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि 1-2 सेकेंड का डीले बहुत ही छोटा होता है। एंड हम जो बात कर रहे हैं HFT का, वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, तो हम जो ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो सभी के सभी ट्रेडिंग सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आप पूछोगे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता क्या है। तो जो ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रैटेजी में अगर 1 माइक्रोसेकेंड का भी डीले हो तो वो टॉलरेट नहीं हो पाएगा, वैसे सिस्टम्स को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसेकेंड है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा 1 सेकेंड मतलब 60 मिलीसेकेंड एंड 1 मिलीसेकेंड मतलब 60 माइक्रोसेकेंड। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि कुछ नैनोसेकेंड्स का भी डीले टॉलरेबल नहीं है इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं जो 1 सेकेंड में उसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर दिए होंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूटेड ट्रेड हो गए होंगे विद इन सेकेंड। तो उस टाइप के ट्रेडिंग को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता कैसे है एंड एग्जैक्टली होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं एंड उसे कैपिटलाइज करने एल्गोस यूज करते हैं। बट यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंस है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन का। अगर मुझे आपको पर्सपेक्टिव देना हो कि कौन से टाइप के स्पीड में ये काम करते हैं, लेट से 1 सेकेंड में आप मैक्सिमम 1 ट्रेड प्लेस कर सकते हो, वो भी जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। बट यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, HFT मशीन्स 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट करके आउट भी आ चुके होते हैं। HFT हेल्प करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने। मार्केट में जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50-60% ऑर्डर्स HFT के द्वारा ही प्लेस किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम HFTs क्रिएट करते हैं। HFT के पास हाई स्पीड इंटरनेट, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड उनका टर्नओवर भी ज़्यादा होता है, बिकॉज इन सेकेंड्स वो इन एंड आउट हो जाते हैं तो उनका टर्नओवर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड HFTs का ऑर्डर टू ट्रेड रेशो भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HFTs कौन से टाइप के स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बिकॉज ये इतने ज़्यादा वॉल्यूम में काम करते हैं तो ये आखिर कौन से टाइप के स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। क्या वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो कौन से टाइप के स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करते हैं, वो बहुत लोग सोचते हैं। HFT फर्म्स मेजरली आर्बिट्राज यूज करते हैं। आर्बिट्राज कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स डिफरेंट मार्केट में, लेट से BSE में बाय करके NSE में सेल करना इन द सेम मार्केट बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स, कैश मार्केट में बाय करके फ्यूचर्स में सेल करना, या तो फ्यूचर्स लॉन्ग करके कॉल एंड पुट शॉर्ट करना, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन, या तो ऑप्शंस में ही आर्बिट्राज पॉसिबल है। वो कैसे, हमने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। बट बिकॉज हमारे पास ये स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, हम वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं कर पाते जो HFT फर्म्स कैप्चर करती है। रिसेंटली मेरा एक जन से बात हुआ हु वर्क्स इन HFT फर्म। ही सेड ऑन अ रेगुलर डे HFT फर्म प्लेसेस मोर देन 100 मिलियन ऑर्डर्स, विच इज़ मोर देन 10 करोड़ ऑर्डर्स। सो यू कैन इमेजिन क्या लेवल पे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं एंड क्या लेवल का उनका टेक्नोलॉजी होगा। सो ये तो हुआ HFT फर्म के बारे में। अब बात करते हैं
उनके पास क्या एज है जो हमारे पास नहीं है। सो बिकॉज कोई भी मार्केट में सर्वाइव करने आपके पास कोई एक एज होना चाहिए। तो वॉट इज द एज ऑफ दिस एच एफ टी फर्म्स? द फर्स्ट एज इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। वो एनएससी से बहुत सारी लाइन्स लेते हैं एंड वो लाइन्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफाइंड रहते हैं। उतने ऑर्डर्स अगर वो प्लेस करते हैं तो उन्हें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगता। सेकेंड, उन्हें ब्रोकरेज भी नहीं लगता बिकॉज दे आर दी मेंबर ऑफ एनएससी, तो दे डोंट हैव टू इनकर एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। देन को लोकेशन सर्विसेज। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ एंड एचएफटी में जो सॉफ्टवेयर है वो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो एचएफटी का ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा देन मेरा होगा। क्यों? क्योंकि एचएफटी का ऑर्डर डायरेक्टली एनएससी के को लोकेशन मतलब एनएससी के बिल्डिंग में जो सर्वर्स है वहाँ से ही ऑर्डर प्लेस होगा, और मेरा ऑर्डर मैं प्लेस करूँगा वो ब्रोकर के सर्वर पे जाएगा देन वो एनएससी के सर्वर पे जाएगा। तो वहाँ पे उनके पास एज है। एचएफटी यूजेस द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। एज आई टोल्ड यू, मेरा एक जन से बात हुआ हु वर्क्स फॉर एन एचएफटी फर्म। उसने मुझे बताया जनरली जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मेरे सिस्टम से एक डेटा पैकेट बनता है विच इज़ माई ऑर्डर। वो एनएससी के सर्वर दैट इज़ हार्डवेयर पे जाता है, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर उसे डीकोड करता है एंड देन ऑर्डर प्लेस होता है। बट इन लोगों के पास ऐसा टेक्नोलॉजी था, ये जो डेटा पैकेट सेंड करते हैं एंड जो हार्डवेयर में जाता है वो हार्डवेयर ही इतना केपेबल है कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करे। तो दे डोंट हैव टू डीकोड द डेटा पैकेट एंड बिकॉज वो डीकोडिंग का काम सॉफ्टवेयर का होता है तो इट टेक्स टाइम, फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। बट टू सेव दैट फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया था। तो यू कैन इमेजिन कौन से लेवल के टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, जो ईदर आप एच एफ टी फर्म हो या इंडिविजुअल ट्रेडर हो, आपको यूज करना चाहिए बिकॉज वही आपका एज इज टाइट रिस्क मैनेजमेंट। इवन एच एफ टी हैज द टाइट रिस्क मैनेजमेंट। सो ये फ्यू ऑफ द रीजन्स है कि एच एफ टी क्यों अर्न करते हैं एंड दीज आर द एज विथ एच एफ टी फर्म्स। सो आई होप आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आखिर होता क्या है वो समझा होगा एंड एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कौन से लेवल पे ये टेक्नोलॉजी काम करता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।